बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज के वर्चुअल क्लास MCGM के ऑनलाइन सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। और अज़ीज़ तलबा, आज के सेशन में हम 10वीं जमात में रियाजी मज़मून में रियाजी हिस्सा 2 में यहाँ पर बात करेंगे दायरे के बारे में, यानी सर्कल के बारे में। तो आज के सेशन में हम बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल यानी दायरे के बुनियादी तसव्वुरात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए, इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम ये मालूमात यहाँ पर हासिल करते हैं। दायरे के ताल्लुक से जो मालूमात है बच्चों, आपने गुज़िश्ता जमातों में दायरे के ताल्लुक से काफ़ी कुछ मालूमात हासिल की है, तब भी हम यहाँ पर कुछ बुनियादी मालूमात है जिसके ताल्लुक से आपको यहाँ पर एक अदा ज़रूर से कराएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दायरे के ताल्लुक से बात करेंगे कि दायरा हम किसे कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मुस्तवी में मुतय्यन नुक्ते से हम फासला नुकात का सेट दायरा होता है। मुस्तवी में मुतय्यन नुक्ते से हम फासला नुकात का सेट दायरा होता है या दायरा कहलाता है। ये दायरे की तारीफ हो गई है, ठीक है। दायरा किसे कहते हैं ये हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। इसी तरह से दायरे में हम देखते हैं, सबसे पहले दायरे में एक मरकज़ होता है ना, तो हम देखते हैं कि मुतय्यन नुक्ते को दायरे का मरकज़ कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर O जो है ये दायरे का मरकज़ है, ठीक है। तो मुतय्यन नुक्ते को दायरे का मरकज़ कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम एक इस ख़त को देख रहे हैं, इस क़ता को देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसे हम निस्कुत्र कहते हैं, ठीक है। तो मुतय्यन फासले को दायरे का निस्कुत्र कहते हैं। यहाँ पर हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मरकज़ है और ये जो है तो निस्कुत्र है। इस निस्कुत्र का नाम अगर हम देखें तो हमें मालूम होगा कि इसका नाम OP है, ठीक है। यानी निस्कुत्र जो है ये OP है और इसकी लंबाई अगर हम देखें तो इसकी 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर मज़ीद दायरे में। हम यहाँ पर बात करेंगे कुत्र के बारे में और निस्कुत्र के बारे में। मज़ीद अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि दायरे में यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, दायरे में यहाँ पर O जो है तो दायरे का मरकज़ है और क़िता OP जो है तो निस्कुत्र है। एक ही दायरे के निस्कुत्र मुतमासिल होते हैं, दायरे के बेशुमार निस्कुत्र हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दायरे के बेशुमार निस्कुत्र है जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही दायरे के निस्कुत्र जो है तो मुतमासिल होते हैं, ठीक है। याद रखिए, दायरे में इस तरह बेशुमार जो है तो निस्कुत्र हो सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे स्क्रीन पर जैसे आपको नज़र आ रहा है वितर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दायरा है, दायरे का मरकज़ है O, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये AB जो है, AB यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि वितर ऐसा क़िता होता है जिसके इख्तितामी नुकात दायरे पर होते हैं। क़िता AB जो है तो ये वितर है, ठीक है। और दायरे में इस तरह जो है तो बेशुमार वितर हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये भी एक वितर है, ये भी एक वितर है, है ना, ये भी एक वितर है। इस तरह से हम देखेंगे कि बेशुमार जो है तो वितर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं बेशुमार वितर हो सकते हैं एक दायरे में, जैसे हमने निस्कुत्र देखा है बेशुमार हो सकते हैं, इसी तरह से वितर भी एक दायरे में बेशुमार हो सकते हैं, ठीक है, याद रखिए इसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कुत्र के बारे में। तो ऐसा वितर जो मरकज़ से गुज़रता है, जैसे हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दायरा है और दायरे में आप देखेंगे कि O जो है तो दायरे का मरकज़ है और O से गुज़रता हुआ एक वितर है जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कुत्र, ठीक है। तो
तो कुत्र दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है, ये जो कुत्र है ये दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है। यहाँ पर हम देखेंगे अगर, तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि ये जो ए बी है ये इस दायरे का वित्र है, ठीक है। और दायरे में इस तरह से बेशुमार कुत्र हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक अगर हमने इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दायरे में बेशुमार इस तरह के कुत्र हो सकते हैं, है ना। जो दायरे के मरकज़ को मस करता हुआ वित्र गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं, कुत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी वित्र देख रहे हैं वो तमाम दायरे को मस करते, दायरे के मरकज़ को मस करते हुए गुजर रहे हैं, यानी कि ये तमाम जो है तो कुत्र है। और इस तरह के कुत्र बेशुमार हो सकते हैं किसी भी दायरे में। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर जो है तो दायरे में मरकज़ है, निस्कुत्र है, कुत्र है, वित्र है, इन तमाम की जो है तो हमने यहाँ पर मालूमात हासिल की है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये दायरे के ताल्लुक से जो मालूमात है ये आपकी क्लियर हो गई होगी यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मज़ीद हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो तसवुरात हमने इससे पहले की जमातों में पढ़े हैं उस पर एक नज़र हम यहाँ पर डालते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि दायरे के मरकज़ से इसके वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तंसीफ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा ओ जो है तो ये दायरे का मरकज़ है, और इसी तरह से ए बी जो है तो ये वित्र पर आप देखेंगे कि ओ एम उमूद है, ठीक है, इस तरह से, है ना। ओ एम ये क्या है, उमूद है। तो इस बिना पर हम देखते हैं यहाँ पर कि ए एम बी जो है तो एक ही खत पर बाके नुकात है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है तो कहेंगे कि ए एम बराबर एम बी होगा, ठीक है। ए एम बराबर जो है तो एम बी होगा, यानी ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से ये मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ यहाँ पर ओ एम उमूद है। तो इसने क्या किया, उमूद ने इस खत को दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर दिया है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ए एम बराबर एम बी, इस तरह से। दूसरा जो है नुक्ता उसे हम यहाँ पर वाजे करते हैं, जैसे दायरे के मरकज़ और वित्र के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला क़िता वित्र पर उमूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो शक्ल है इस शक्ल का मुशाहिदा करते हैं, तो इस शक्ल में आप देखेंगे कि ओ जो है तो दायरे का मरकज़ है और एम जो है तो यहाँ पर एम वित्र है और पी क्यू का वस्ती नुक्ता भी है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे एम जो है तो ये वस्ती नुक्ता है पी क्यू का, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। तब हम यहाँ पर देखेंगे कि पी क्यू जो है तो जो वित्र है इस पर जो है तो ओ एम जो है तो ये क्या है, ओ एम एक उमूद है, ठीक है। यानी कि हमें इससे ये बात समझ में आती है कि ये हिस्सा, ठीक है, जैसे कि हमने पहले देखा, और ये हिस्सा जो है तो बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि ओ एम जो है तो यहाँ पर अगर हम ये जाविया देख रहे हैं, ओ एम पी, ये जाविया क्या है, ये जाविया भी 90 दर्जे का है ना। और ओ एम क्यू, ये जाविया अगर देखें तो ये जाविया भी हम देख रहे हैं 90 दर्जे का है ना। तो ये हम देखेंगे, इसलिए ये जो है तो इसके बराबर है और ये इसके बराबर है ना, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है। तो ये बच्चों बुनियादी मालूमात है, ये मालूमात आपको ज़रूर से याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जो है तो यहाँ पर देखते हैं कि किसी दायरे के मुतमासिल वित्र दायरे के मरकज़ से हम फासला होते हैं, किसी दायरे के मुतमासिल वित्र, जैसे कि आप यहाँ पर इस तस्वीर में, इस शक्ल में आप देख रहे हैं। तो यहाँ हम अगर गौर करें ए बी और सी डी को, ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं दायरे दायरे का मरकज़ जो है तो ओ है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ए बी जो वित्र है वो मुतबासिल होगा सी डी के, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि ए बी वित्र पर जो है तो यहाँ पर ओ एम ये एक उमूद है, ठीक है,
इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सी डी पर अगर हम देखेंगे तो ओ एन एक वित्र है, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो वित्र, यहाँ पर हमें दो उमूद नज़र आ रहे हैं। ओ एम उमूद है कहाँ पर, ए बी पर, ए बी किता पर, और किता सी डी पर उमूद है ओ एन, ठीक है। इस तरह से तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि ये दो रुकात हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ना, ये जो है तो इस पर आप देखेंगे, इस खत पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ए एम बी है ना, एक ही खत पर वाक़ नुकात है। इसी तरह से सी एन डी, ये भी जो है तो एक ही खत पर वाक़ नुकात है, ठीक है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ओ एम बराबर ओ एन होगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर मज़ीद इस नुक्ते को वाज़े करेंगे जिसमें हम देख रहे हैं दिया हुआ है कि दायरे के मरकज़ से हम फासला वित्र मुतमासिल होते हैं, दायरे के मरकज़ से हम फासला वित्र मुतमासिल होते हैं। इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं इस दायरे का मुशाहिदा कर रहे हैं, यहाँ पर इस दायरे में हम देख रहे हैं ओ मरकज़ है, ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किता पी क्यू और किता आर एस वित्र है, तो यहाँ पर हम देखेंगे किता पी क्यू और किता आर एस जो है तो यहाँ पर इस तरह वित्र है। और दूसरा हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं कि ओ एन जो है तो ये वित्र है पी क्यू पर, ठीक है, ये यहाँ पर हमने देखा इस तरह से। फिर और आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पी, यहाँ पर अगर गौर कर रहे हैं आप तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि पी क्यू वित्र पर आप देखेंगे यहाँ पर कि एक ओ एन ये वित्र है। इसी तरह से आर एस पर हमने देखा यहाँ पर कि ओ एन एक जो है तो क्या है, उमूद है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि पी एन ये यहाँ पर अगर गौर कर रहे हैं आप देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि इस खत पर जो है तो वाक़ नुकात हैं कौन से, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो है तो वाक़ नुकात आपको एक ही खत पर नज़र आ रहे हैं, आर एम एस और पी एन क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ पर अगर हम गौर कर रहे हैं कि एम, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि ओ एम, ओ एम बराबर है ओ एन के, इसके अगर ये बराबर है तो हम देखेंगे कि आर एस वितर जो है तो मुतमासिल होगा, यानी कि ये आर एस वितर जो है तो ये मुतमासिल होगा किसके, वितर पी क्यू के, यानी इस वितर के, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर याद रखना है कि ओ एम बराबर ओ एन है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि पी क्यू मुतमासिल होगा आर एस के, यानी पी क्यू वितर जो है तो ये मुतमासिल होगा वितर आर एस के, इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ बुनियादी मालूमात है जो कि दायरे के ताल्लुक से है। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल अभी आगे जो मसले हमारे आने वाले हैं जिन्हें हम यहाँ पर हल करने वाले हैं उसमें ज़रूरी तौर पर इसका इस्तेमाल होगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। मज़ीद कुछ मालूमात है जिसे आपको याद रखना है तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ज़रूरी मालूमात है बच्चों, इसे नोट डाउन भी कर ले आप अपने पास और जहन में इसे महफूज भी रखें। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि मुतमासिल दायरों में मुतमासिल वितर दायरों के नज़ीरी मरकज़ों से हम फासला होते हैं, मुतमासिल दायरों में मुतमासिल वितर दायरों के नज़ीरी मरकज़ों से हम फासला होते हैं, इसी तरह से मुतमासिल दायरों में नज़ीरी मरकज़ों से हम फासला वितर मुतमासिल होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि एक नुक्ते से बेशुमार दायरे गुजर सकते हैं, याद रखना है बच्चों। इसी तरह से दो मुतफर्रिक नुकात से बेशुमार दायरे गुजर सकते हैं और तीन गैर हमखती नुकात से एक और सिर्फ एक दायरा गुजरता है, यानी यक्ता दायरा जो है तो बनता है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि तीन हमखती नुकात से कोई भी दायरा नहीं गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये कुछ ज़रूरी मालूमात थी, इसलिए हमने यहाँ पर इसे नुकात की शक्ल में आपके सामने यहाँ पर पेश किया है। इसे नोट डाउन कर ले आप या स्क्रीन शॉट इसका ले लें, ठीक है।
ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम मसले पर बात करेंगे अभी। तो जैसे आप देख रहे हैं मुमास निस्कुत्र का मसला जो है हम यहाँ पर देखते हैं, टेंजेंट रेडियस थ्योरम जिसे कहते हैं हम यहाँ पर। तो इस मसले में हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि दायरे के किसी नुक्ते से गुजरने वाला मुमास, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस नुक्ते को मरकज से मिलाने वाले निस्कुत्र पर उमूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों इस शक्ल को देखते हुए आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि दायरे की किसी नुक्ते से गुजरने वाला मुमास इस नुक्ते को मरकज से मिलाने वाले निस्कुत्र पर उमूद होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे दिया हुआ क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दिया हुआ है कि एक दायरा है जिसका मरकज ओ है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और मज़ीद आप देखेंगे कि ख़त एल दायरे के नुक्ता ओ पर मुमास है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दायरे पर क्या है, एल ये जो है ख़त ये मुमास है यहाँ पर। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी हमें यहाँ पर साबित क्या करना है, तो हमें यहाँ पर साबित करना है कि ओ पी जो है निस्कुत्र है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये जो है तो एल पर एक उमूद है ना, आप देख रहे हैं खत एल पर ये एक उमूद है ओ पी। ओ पी जो है तो दायरे का निस्कुत्र है, और जो कि एल जो खत है उस पर ये उमूद है। अब हम यहाँ पर जो है तो सबसे पहले सबूत देखते हैं, वो बिलवास्ता हम यहाँ पर सबूत देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं, हमने फ़र्ज़ किया कि ख़त एल तथा ओ पी पर उमूद नहीं है, ये हमने यहाँ पर सबसे पहले फ़र्ज़ किया है। ठीक है, तब हम यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं कि ख़त एल पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ओ क्यू जो है तो क़ता है, और नुक्ता क्यू जो है तो ख़त एल पर वाक़े है। इस तरह से हम यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं, और पी और क्यू जो है तो मुतफरिक नुकात है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं। ठीक है, जैसे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि ख़त एल पर नुक्ता आर इस तरह से लेना है कि जो है तो एक ही ख़त पर आर क्यू पी और हो, और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि क्यू आर बराबर क्यू पी हो, और किता ओ आर हमें यहाँ पर खींचना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने इस तरह से ये एक ही ख़त पर वाक़ जो नुकात है वो आपको नज़र आ रहे हैं आर क्यू पी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये मुसलस ड्रॉ किया है जिसे आप देख रहे हैं, ख़त एल पर नुक्ता आर हमने लिया है, किस तरह से बनाया है ये देख सकते हैं आप इस तरह से। तो हमारे यहाँ पर हम देखेंगे कि दो मुसलस हमें नज़र आ रही है, मुसलस ओ क्यू आर और मुसलस ओ क्यू पी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुश्तरक ज़िला है इन दोनों में, अगर आप गौर कर रहे हैं देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ओ क्यू ये जो है तो इन दोनों मुसलसों में, यानी मुसलस ओ क्यू पी और मुसलस ओ क्यू आर में ये जो है तो मुश्तरक ज़िला है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ओ क्यू जो है तो मुश्तरक होगा ओ क्यू के। ठीक है, इस तरह से तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर जो है तो ये जो दोनों ज़िले हैं, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों जावियों को अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इनकी पैमाइश आपको 90 दर्जे दिखाई दे रही है ना। ठीक है, कायमा जाविया हमें नज़र आ रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पर हर एक की पैमाइश जो है तो 90 दर्जे, यानी कि जाविया ओ क्यू आर और ओ क्यू पी जो है तो मुतमासिल है, इससे बात हमें यहाँ पर समझ में आ रही है। ठीक है, तो अमल के मुताबिक हम देखेंगे यहाँ पर कि किता क्यू आर जो है, किता क्यू आर जो है तो ये किता आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये किता मुतमासिल है किता क्यू पी के, इस किता के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुतमासिलत की जिल आजमाइश के तहत हम यहाँ पर देखेंगे कि मुसलस ओ क्यू पी मुतमासिल होगी मुसलस
OQRK यानी ये मुसलस इस मुसलस के मुतमासिल होगी। इस तरह से मुतमासिल मुसलसों के नज़ीरी ज़िले के लिहाज से अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि किता OR जो है ये किता मुतमासिल होगा किता OP के, इस किता के। ठीक है, इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मुतमासिल मुसलसों के नज़ीरी ज़िले जो हमने यहाँ पर अभी मुशाहिदा किया है, किता OR मुतमासिल होगा किता OP के, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि OR बराबर OP होगा। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे कि OR बराबर होगा OP के। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि OP जो है, तो ये क्या है, निस्कुत्र है। OP क्या है, पिता OP निस्कुत्र है। ठीक है, और किता OR भी जो है तो ये भी निस्कुत्र है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर, इसलिए नुक्ता ओ मरकज है, इसलिए नुकात आर और पी दायरे पर वाक़े है। ठीक है, लेकिन वो ख़त एल पर भी वाक़े है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ख़त एल मुमास है, लेकिन मुमास और दायरे में दो नुकात आर और पी मुश्तरक है। ठीक है, तो ये मुमास की तारीफ के खिलाफ है, इसलिए हमने जो फ़र्ज़ किया था वो गलत है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि OP मुमास जो है तो उमूद है ख़त एल पर। ठीक है, इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि यहाँ पर हमने जो ये मसला आपके सामने रखा है, इसने आप इस इसे आपने जो है तो ज़रूर से समझा होगा। और इस ये जो तमाम मालूमात हमने आपको दी है, आपको ये पूरी मालूमात का जो है तो अदा करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और मुमाज तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। निस्कुत्र का जो मसला है, उस मसले को आपको इस सेशन के बाद हल करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो हम जो है तो मज़ीद इसके आगे की मालूमात आपको नेक्स्ट सेशन में देंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए और इस तरह और भी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।